भारत के चार राज्यों में भाजपा के प्रचंड बहुमत से खुश होकर सिलवासा में मनाई जा रही है खुशियां। नमस्कार, सिलवासा न्यूजलाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। योगी के फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने की ओर बढ़ते कदम को देखते हुए दादरा नगर हवेली में वरिष्ठ पत्रकार एवं भाजपा वरिष्ठ नेता ललित पटेल द्वारा जगह जगह पर फोड़े जा रहे फटाके। इसी तरह पूरे विस्तार में फटाके फोड़े गए और खुशियां मनाई गई, कुछ जगहों पर मिठाई बांटी गई। देखिए इस विषय में पत्रकार एवं भाजपा वरिष्ठ नेता ललित पटेल ने हमसे क्या कहा। ललित भाई, किस तरह से आज जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस खुशी में आज आप लोग पटाखे यहाँ पर लगातार फोड़ रहे हैं? कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कहते थे कि भाजपा नहीं जीतेगी, लेकिन योगी जी ने पूरा साबित करके दिखाया है कि उसका विकल्प यूपी में नहीं है, भारत देश में नहीं है जी। और आने वाले दिनों में योगी जी जो है वो राजकीय उधर से ऊपर आके मतलब पूरे भारतवर्ष में वो अपना नाम कमाएंगे। जो जिस हिसाब से यूपी का नतीजा आया है और ये गोवा और उत्तराखंड का मतलब भाजपा जो दिखाई दे रही है, इस हिसाब से लगता है कि आगे मोदी जी का रास्ता बिल्कुल साफ है, कोई इस पर कोई ये नहीं है। भारत के सबसे बड़े राज्य में इतने बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा फिर से भाजपा सरकार बना रही है और देखा जाए तो अन्य तीन राज्यों में कर रही है, यानी कुल मिलाकर पांच में से चार राज्यों में जो अभी दिखाई दे रहा है बहुमत, क्या इसकी खुशी किस तरह से प्रदेश में आने वाले दिनों में दिखेगा? देखो, मैं जहाँ तक दादरा नगर हवेली की बात करता हूँ तो हम लोग तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन हमारा देश जो है योगी जी की वजह से आगे चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का समय है और जो आगे जो चीज़ लोगों ने नहीं देखी, जो नहीं महसूस की, जो भारत 1947 में आज़ाद होने के बाद में जो दिन आने चाहिए थे शायद 70 साल बाद में वो आ रहे हैं।